अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप। जी, चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस। सिंपली पहले मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जी, रेक्टेंगुलर अरे, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यूज है रेक्टेंगुलर अरे। जी, रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल होती है हमारे पास इस फॉर्म में, जो स्क्वायर नहीं होती। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है और ये इस फॉर्म में भी हो सकती है। ये दो रेक्टेंगल्स हैं। तो वो कहा गया कि रेक्टेंगुलर अरे है। अरे कहते हैं सिंपली अरेंजमेंट्स को, वर्ड की अरेंजमेंट को और फॉर्मेशन। और इस फॉर्म में है, फॉर्म किसकी है? कलेक्शंस की है। कलेक्शन किसकी है? रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की एक कलेक्शन है या फॉर्म है, उसको हम रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में है। अब वो आगे क्या है? सेम ही आगे उसको डिफाइन कर दिया गया है कि वो रियल नंबर्स या वो क्या है। सिंपली जो रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपने जैसे पिछली क्लासेस में शायद पढ़ा होगा, जैसे आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर पढ़े हैं। तो ये जो सारे कंबाइन जब हम इनको कर देते हैं ना, तो ये रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बटे की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल जैसे लिखा गया ना, से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, मतलब ये नंबर उन्होंने बता दिए गए। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो है ये नेचुरल भी है, क्योंकि 0 इंक्लूड होता है क्योंकि होल भी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही नंबर्स होंगे, इनके अलावा भी नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे से का वर्ड यूज है। इट मीन्स ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह की एग्जाम्पल होगी, सच दैट। अब इनकी देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिखी है, रेक्टेंगल की फॉर्म बना रही है अरेंजमेंट, देन एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट। अब इसको क्या कर दिया गया, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इज सेड टू फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरह से 0, 1 और 3, 4 जो है इज एन अदर मैट्रिक्स। ये एक और मैट्रिक्स की बनी हमने। नेक्स्ट है, वी टर्म द रियल नंबर्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जो रियल नंबर की टर्म है, हम इसको यूज करते हैं जब भी मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। हमने जब भी मैट्रिक्स को बनाना है, तो हमने रियल नंबर्स वाली टर्म्स को यूज करना है, एज एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। किस तरह से रियल नंबर को यूज करना है, कि ये उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो होंगी, या एलिमेंट्स मैट्रिक्स के जो अंदर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम एंट्रीज बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, ये दो वर्ड्स। मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक के लिए यूज होते हैं, जो मैट्रिसेस होते हैं जब ज्यादा मैट्रिक्स होते हैं तब उसके लिए यूज होते हैं। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स। अब मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ए बी सी एम एन ई टी सी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स की टाइप्स। मैट्रिक्स कितनी तरह के होते हैं, वो हमने उस टाइप पे आ जाना है कि मैट्रिक्स को किस तरह से आगे फर्दर करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। जो इसकी फॉर्मेशन है उसके लिहाज से इसकी एंट्रीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी, इसकी एंट्रीज पे आते हैं। जी, इन अ मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है। ये जो है ना, ये आप सिंपली, मैं आपको बताती हूँ मैट्रिक्स ए क्या है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो ए इज इक्वल है 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1 और -1। ये एक मैट्रिक्स है ए। ये जो यही मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये यही वाला मैट्रिक्स है। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड द, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं वो हमारी रो होती हैं। और जो मैट्रिक्स में जो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंट्रीज मिल रही हैं, देखिए रो की फॉर्म में, वो 3 है। तो इसकी कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। इन द मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन इन द फिगर, एज शोन बाय R1, R2 एंड R3 ऑफ द मैट्रिक्स ए। इन द मैट्रिक्स बी, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है इसमें ऑल एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल वे। मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स के हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दो के हमने बता दिए। ठीक है, जैसे हम इस मैट्रिक्स ए को ही देख लेते हैं, तो ये जो इसकी लाइन एंट्री बन रही है, कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे। ये जो एंट्री बन रही है इस तरह से, ये एंट्री जो बन रही है और ये एंट्रीज बन रही है, इसके कॉलम C1, C2 एंड C3, तो ये इनके कॉलम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एक ही मैट्रिक्स की रोज भी होंगी, कॉलम्स भी होंगे।
In the matrix B, there are three columns as shown by C1, C2, and C3. It is interesting to note that all rows have the same number of elements and all columns have the same number of elements, but number of elements in row and column may not be same. जी, अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग नोट है ना वो ये दे दिया गया है कि हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए. इस तरह से नहीं हो सकता है, लाइक जैसे मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इस तरह से कभी भी मैट्रिक्स नहीं बनेगा कि आपकी जो फर्स्ट रो है उसमें हमारी जी तीन एंट्रीज आ गई हैं और जो सेकंड रो है उसमें जी सिर्फ दो एंट्रीज. ये कभी भी एक मैट्रिक्स नहीं बन सकता है, ठीक है. तो मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है कि जितनी रोज में एक फर्स्ट रो में है ना उतने ही सेकंड रो में भी एलिमेंट्स होने चाहिए, तो फिर ये मैट्रिक्स बनेगा आपका जी. और इसके अलावा ये कंपल्सरी नहीं है कि आपकी रो और कॉलम सेम हो. जैसे ये जो मैट्रिक्स था ना, इसमें देखिए थ्री रोज थी और थ्री कॉलम्स थे इन दोनों में, तो इनमें तो थे, लेकिन ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया इसमें टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम जो है वो सेम नहीं है. नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ये जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर. जो एक नंबर ऑफ रो और जो कॉलम का क्वांटिटी होती है ना एक मैट्रिक्स की, वो उसके ऑर्डर को बताती है कि इसका ऑर्डर क्या है. जैसे ऑर्डर मतलब किसी का ओहदा कह सकते हैं हम सिंपली, अगर वर्ड्स में कहें कि ये कहाँ पर है. इस ऑर्डर की मदद से हम उस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट जो है ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि वो किस तरह का होगा. इफ अ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स, देन एम इज सेड टू बी द ऑर्डर एम बाय एन. सबसे पहले आपने रोज बतानी है, फिर आपने कॉलम्स बताने हैं. ये चीज हमेशा जब भी एमसीक्यूज में आता है ना, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कहा था 2x3 या 3x2. तो यहाँ पर सबसे पहले आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने रोज बतानी है, उसके बाद आपने कॉलम बताने. तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर. नंबर ऑफ रोज और जो कॉलम होंगे जो उसके ऑर्डर को डिफाइन कर रहे होंगे. तो एम इज इक्वल है 1, 2, 3 एंड 1, 0, 2 इज ऑफ ऑर्डर 2x3. 2x3 मीन्स इसमें टू रोज हैं और थ्री इसमें कॉलम्स हैं, सिंस इट हैज टू रोज एंड थ्री कॉलम्स. वेयर एज द मैट्रिक्स एन इज इक्वल है 1, 2, 3 -1, 1, 0, 2, 3, 7. अब इसके अंदर तीन ही हमारी रोज हैं और तीन ही हमारे कॉलम्स हैं जी. इस अ 3x3 मैट्रिक्स, तो ये 3x3 मैट्रिक्स होगा. एंड अब ये जो कॉलम है देखिए, इसके अंदर आपकी एक रो है और दो तीन कॉलम्स है, 1, 2, 3 कॉलम, और ये हमारी रो है, ये हमारी रो है सिंपली, एक एक दो और ये तीन कॉलम है जी. इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. इसका हम जब ऑर्डर बताएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है ऑर्डर है 1x3, क्योंकि वह एक रो है और तीन कॉलम है. नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी जो है वो दो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी. ए जो है मैट्रिक्स ए वो इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के, एंड इज डिनोटेड बाय, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे जब ये इक्वल होंगे तो ए इज इक्वल है बी इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ, अब मैं आपको थोड़ा सा ये टर्म भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम आपके लिए यूज होगी, इफ एंड ओनली इफ, आई थिंक सो. तो इफ एंड ओनली इफ जो वर्ड होता है ना, इसको हम इक्वल साइन बोथ साइड पे इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है मैथमेटिकली कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है ना, तो ये जो ऊपर लिखा है ना ये होल्ड करेगा. मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स जो है ना, हम कहते हैं वो मैट्रिक्स जो है ना वो दोनों इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो अब हमें यहाँ से ये आइडिया मिलेगा जब ए और बी इक्वल होंगे तो हमारे माइंड में फौरन से आएगा कि उन दोनों के ऑर्डर बराबर है और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज बराबर है. मतलब कि अगर हमें ये डेटा गिवन है तो हम बता सकते हैं इस डेटा के अबाउट, ठीक है, और अगर हमें ये डेटा गिवन है तो हम इस डेटा के अबाउट बता सकते हैं. इफ एंड ओनली इफ मीन्स के आपकी अगर ये चीज होल्ड करिए तो ये आएगा, और अगर ये हमें गिवन डेटा है तो ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर ये देखते हैं इसे, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन जो है उसको दूसरी तरह से इस तरह से लिखा जा सकता है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन को. तो जब दो इक्वल मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, तो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऑर्डर होगा दोनों का वो बराबर होगा और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होगी. अब आते हैं जी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, वो कैसे इक्वल होंगी जी.
ए आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया और बी एक मैट्रिक्स दे दिया गया और ये बता दिया गया कि ये दोनों जो है ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखने में स्टूडेंट्स ने कहा ना ये तो इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें तो तीन कॉलम बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटर में प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इसके दरम्यान में जो ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म कर देंगे। We see that the order of a matrix A and the order of a matrix B equal. अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास B जो है ये किस तरह से हो जाएगा, B is equal हो जाएगा 1, 3 -4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 2। तो ये तो दोनों सेम टू सेम इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है ये बराबर हैं। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंड देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज होती हैं जो फर्स्ट एंट्री है ये क्रॉसपोंडिंग है इस एंट्री के, इसी तरह से ये एंट्री जो है ये इस एंट्री है क्रॉसपोंडिंग है, और ये वाली जो एंट्री है मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए जी। ये जो एंट्री है ये इस एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग होगी, इसी तरह से ये एंट्री जो है ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग आर इक्वल मैट्रिसेस। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशंस, एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दूसरा इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल था, ए और बी जो है ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दे दी है, एल और एम दो मैट्रिक्स बता दिया गया और ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, इनका ऑर्डर सेम है लेकिन जो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है, देखें यहाँ पर आपकी 2 है और यहाँ पे आपकी -2 है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ एल इज इक्वल है ऑर्डर ऑफ एम, बट एंट्रीज इन द सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम। किसी भी एंट्री को आपने बताना है कि वो कौन सी है, देखें वो सेकेंड रो में आ रही है और सेकेंड कॉलम उसका बन रहा है तो वो ये एंट्री है, तो वो सेकेंड यहाँ से सेकेंड रो, यहाँ से देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो जो सेकेंड कॉलम की सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की जो एंट्री है वो हमारी सेम नहीं है, सो एल डॉट इक्वल टू एम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसमें दे दी गई है वो है पी और क्यू की। अब ये तो हमें देखने से पता चल गया ये इक्वल नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। जो पी है उसका हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, और जो क्यू है उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स जी। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी, एक्सरसाइज जो है उसके सोल्यूशन पे आते हैं। जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट जो है हमने इनके ऑर्डर्स बताने हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करने हैं। ए में देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं तो ये इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। बी जो है ये भी सेम है, 2 रोज 2 कॉलम्स तो ये भी 2 बाय 2। सी के अंदर देखें एक ही रो है और 2 कॉलम तो 1 बाय 2। डी जो है इसमें आपकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, देखिए किस तरह से 3 रोज बन रही हैं, एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो है और यही एक कॉलम है, जस्ट एक ये सिंगल कॉलम गिवन है तो ये 3 बाय 1। इसी तरह से आगे मूव नेक्स्ट मूव करते हैं, जो ई इज इक्वल है ए बी ए डी। अब ये हमारे पास एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, 3 रोज और 2 कॉलम्स 3 बाय 2। इसी तरह से ये जो एफ है आपके पास ये सिंपली 2 है, मतलब इसकी 1 रो है और 1 ही इसका क्या है आपको कॉलम गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है इक्वल मैट्रिक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पर इक्वल का वही क्राइटेरिया जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ठीक है। इक्वल के लिए हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, फर्स्ट हमने पहले ऑर्डर देखना है, अगर ऑर्डर सेम है तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास जो ए है, देखिए ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। अब यहाँ पे ये क्या है, ये 2 क्रॉस, ये 1 क्रॉस 2 का, क्योंकि 1 रो और 2 कॉलम। अब ये जो ये देखिए 5 -2 है तो इट मींस ये किसके इक्वल है, ये 3 है, तो देखें अब इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है और इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है और इनकी एंट्री जो है वो भी क्या है, सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 3 है दोनों में, तो ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी बी, बी क्या हमारे पास ऑर्डर है हमारे पास जी 1 क्रॉस 2। अब डी जो है देखिए उसका ऑर्डर भी सेम है, डी का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है, लेकिन डी और बी की एंट्री सेम नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं आई की तरफ आते हैं, तो आई के हमारे पास क्या बन रहा है, आई जो है वो बन रहा है जी 3 और 5। अब 5 और 3 इनकी जो है ऑर्डर भी सेम है दोनों का, देखिए
फाइव क्रॉस वन और इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी सेम है, तो बी इज इक्वल है आई। इसी तरह से हमारे पास जो डी है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे आई थिंक किसी के इक्वल नहीं है। अब ई पे आते हैं, तो ई जो है इसका ऑर्डर है टू क्रॉस टू। अब यहाँ पर एच का ऑर्डर सेम है, तो ई इज इक्वल है एच। अब जी जो है, जी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा टू और ये बन जाएगा सिक्स। मीन्स एफ और जी का ऑर्डर भी सेम है, एफ और एफ का ऑर्डर है हमारे पास टू क्रॉस वन, टू रोज वन कॉलम्स, और एफ और जी का ऑर्डर सेम है और इन दोनों को हम, इन दोनों का ऑर्डर सेम है और इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी सेम है। इसी तरह से अब आते हैं जी जे पे, तो जे को हम सॉल्व करेंगे तो जे और ई ये भी सेम है और जे और एच वो भी सेम है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये थोड़ी सी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये फिर आपको क्लियर कट समझ आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए बी सी डी की हमने वैल्यूज को फाइंड करना है जो कि सेटिस्फाई कर रही होंगी मैट्रिक्स की इक्वेशंस को। अब दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, ये दोनों कह दिए गए ये दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो है इनका ऑर्डर सेम है, तो बिल्कुल इनका ऑर्डर सेम है, दोनों ही टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स हैं, टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं। अब ये टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो भी क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हमें ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हमें गिवन जी। अब इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है देखें, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। इसी तरह से ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन और फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल है फोर डी जी। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड्स हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, उनमें आपके पास कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, और आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इनके इक्वेशंस को एक दूसरे में ऐड करके, या जी या सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे या हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे जी यहाँ से सॉल्यूशन पे आते हैं सिंपली, ये जी हमारे पास जो है ना इक्वेशन, सबसे पहले हमारे पास जो है इक्वेशन है इक्वेशन नंबर टू। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो इक्वेशन लेनी है जिसमें वेरिएबल एक आ रहा हो, जिसमें एक वेरिएबल होगा उसमें से वैल्यू इजीली निकल आएगी। सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है ना, अब देखते हैं सी माइनस वन इज इक्वल है थ्री, हमने इक्वेशन नंबर टू को यूज किया है। यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है ना आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने लिखना है इक्वेशन नंबर टू इम्प्लाइज। अब ये इक्वेशन नंबर टू को हमने इम्प्लाइज किया है, तो ये जो सी आपके पास इक्वेशन नंबर टू जो है वो है c माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो माइनस वन जो टर्म यहाँ पे माइनस होगी जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। तो c की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो a प्लस सी, देखें a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जो यहाँ पे एड हो रही जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फोर, अब इक्वेशन फोर से ऑनवर्ड हम चलते हैं, जरा इक्वेशन नंबर थ्री में आते हैं। इक्वेशन नंबर थ्री है हमारे पास ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन। अब इसमें हमने ए की वैल्यू पुट की है और ए की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जी। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइनस फोर टर्म यहाँ पर जो है ये माइनस टर्म है, जब दूसरी साइड पर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस फोर जो है क्योंकि वो प्लस के इस साइड पे है, जब वो दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ये हमारे पास मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इक्वल की जो एक साइड पे टर्म जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके ऑपोजिट साइन के साथ जाएगी, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। जब एक टर्म जो है ना राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में होगी। अगर एक टर्म जो है राइट हैंड साइड पे डिवाइड में तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को याद रखें। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो 2b इज इक्वल है माइनस सेवन प्लस फोर, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी b की वैल्यूज आ गई। अब b की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर फोर में पुट किया है और इक्वेशन नंबर फोर में हमने इसको पुट करके d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पे जो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर इक्वेशन में, ये दोनों ही क्योंकि d है तो d यहीं से ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसमें b को पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं से ही इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो जो हमारे पास रिजल्ट था हमें इस वैल्यूज चाहिए थी,
ए बी सी डी की तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है. यहाँ पर देखें द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी आर, अब उन्हीं सीक्वेंसेस से उनकी वैल्यूज लिखी है. सबसे पहले ए की वैल्यू, फिर बी की, फिर सी की और फिर डी की. नेक्स्ट हमने लिखा है रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मीन कि जिस जिस तरह से ये आपने ए बी सी डी डिफाइन किए, इसी तरह से इनकी वैल्यूज भी डिफाइन की गई है. जी, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद रखिए.